हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीटिंग स्पोर्ट 11। और फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं श्रीलंका ए और इंडिया ए के बीच में जो पांचवा अनऑफिशियल ओडीआई का मैच खेला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर टोटल चार मैचेस हुए हैं, जिसमें से जो चौथा मैच हुआ था वो बारिश के कारण नहीं हो पाया था। 22 ओवर का यहाँ पर मैच खेला गया था। इंडिया ने यहाँ पर बैटिंग कर लिया था, 200 के समथिंग रन बनाए थे। किसने क्या परफॉर्मेंस दिया, क्या लास्ट प्लेइंग 11 रही, दोनों टीमों का, ये हम आपको दिखाएंगे। उसके अलावा जो टोटल यहाँ पर तीन मैचेस खेले हुए, उसमें से दो मैचेस यहाँ पर इंडिया ने विन किया है और एक मैचेस यहाँ पर श्रीलंका ने विन किया। तो भाई, श्रीलंका इस मैच को चाहेगा विन करके सीरीज को बराबर करने का, वहीं पे इंडिया इस सीरीज को अब विन करना चाहेगा। तो इस मैच में फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, दोनों टीमों को क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स, ये जो यूरोप की सीरीज आने वाली है, ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर सकते हो, उससे हमारे यूट्यूब पर आएंगे नए मैचेस के जुड़े रहेंगे, आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे नोटिफिकेशन में। चले फ्रेंड्स, देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं पांचवा जो मुकाबला होने वाला है, जो मैच खेला जाएगा हुबली में, और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रल पिच मानी जाती है लगभग, और इंडिया ने जो स्कोर यहाँ पे किया था 250 के समथिंग यहाँ पे स्कोर किया था, जो 200 प्लस स्कोर था इनका जो मैचेस यहाँ पे हुए थे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप टोटल परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया ए और श्रीलंका ए का परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, टोटल जो मैचेस खेले गए हैं, और जो तीसरा मैच खेला गया था उसमें ये दो प्लेयर को रेस्ट दिया गया था, नहीं खेले थे, बाकी ये स्टार लगे प्लेयर, तीन प्लेयर यहाँ पे जितने पर लगे हैं, 11 प्लेयर यहाँ पे खेले थे, लगभग सभी को मौका दिया गया था। लेकिन जो लास्ट मैच था वहाँ पर बारिश के कारण मैच नहीं हो पाया। देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने फ्रेंड्स यहाँ से 84 रन का स्कोर किया था, शुभमन गिल ने 19 रन बनाए थे, और यहाँ से देखिए चोपड़ा ने 6 रन बनाए थे। चोपड़ा काफ़ी नीचे खेलने के लिए आए थे, और यहाँ से अनमोल प्रीत सिंह ने 85 रन का स्कोर किया था। इसके अलावा ईशान किशन 0 पे आउट हो गए थे। तो ये रहा, इसके बताए थे प्रशांत चोपड़ा ने 6 रन ही यहाँ पे बनाए थे, और यहाँ पर टोटल 22 ओवर का मैच हुआ था। इसके अलावा बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परफॉर्मेंस हिसाब से फ्रेंड्स, यहाँ से प्लेयर देख लीजिएगा, शिवम दुबे का परफॉर्मेंस यहाँ से बॉलिंग से भी आप देख सकते हैं तीन मैचेस का। इसके अलावा रिकी भी मैं आपको प्लेइंग 11 कन्फर्म भी दिखा दूंगा, फिर भी आप एक बार परफॉर्मेंस यहाँ से जरूर देख लेना। बात करते हैं यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की, तो कोई खास परफॉर्मेंस इनका रहा नहीं है लास्ट में, जरूर और तीसरे मैच में यहाँ पे 26 रन का स्कोर किया था। इसके अलावा तुषार देशपांडे हैं, इनको आप देख सकते हैं, संदीप वारियर ने फ्रेंड्स यहाँ पे तीन मैचेस में यहाँ पे दो विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा बात करें लास्ट मैच में संदीप वारियर को लाया गया था फिर से रिटर्न में। इसके अलावा मार्कंडे भी यहाँ पे खेले हुए थे, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पोरल और श्रेयस गोपाल ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मौका मिला था उन्होंने भी विकेट्स यहाँ से निकाले लास्ट के मैचेस में। तो ये तो रहा फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस, एक बार अच्छे से जरूर देख लेना। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की तरफ से देखिए न्यूशन डिगवेला फ्रेंड्स यहाँ से ओपनिंग आए थे लास्ट मैच में, जो कि फ्रेंड्स यहाँ से तीसरे मैचेस में नहीं खेले थे। 62 रन का शानदार स्कोर किया था। इसके अलावा इनकी देखिए एक ही विकेट हुआ था यहाँ पर, लगभग एक विकेट हुआ था, 10 रन के समथिंग ही यहाँ पर हो पाया था मैच यहाँ पर, और मैच एवेंडेड हो गया था, नहीं हो पाया था आगे। इसके अलावा देखिए जो तीसरा मैच हुआ था उसमें 88 रन का स्कोर यहाँ से कोरे ने किया था, लेकिन आपको ड्रीम इलेवन पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे इनके पॉइंट्स वगैरह, जो तीसरा यहाँ से मैच हुआ था और लास्ट मैच में ये नहीं खेले थे, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना, बहुत रिस्की रहेंगे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए जो तीसरा मैच हुआ था उसके हिसाब से मैंने यहाँ से नंबरिंग बाहर किया हुआ है, आप देख सकते हैं जो इनका बैटिंग ऑर्डर रहा था। बाकी प्लेइंग 11 श्रीलंका का भी आपको मैं कंफर्म दिखाऊंगा, तो ये आपके लिए खेलते हुए मिल जाएंगे प्लेयर आपको फ्रेंड्स यहाँ से, इनका बैटिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो ईशान जय सूर्य अच्छे प्लेयर है, इनका आप लगातार देखिए बैटिंग से कंसिस्टेंट इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, हालांकि बॉलिंग से इनको विकेट्स वगैरह नहीं मिले हैं। आसन प्रियजन आपको मिल जाएंगे, बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करा लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से कविंदु मेंडिस का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, धनुष शनका आपके लिए अच्छे प्लेयर होने वाले हैं, देख सकते हैं आप लगातार बैटिंग से इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हालांकि उतना लंबा स्टार्ट इनको नहीं मिला लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया। इसके अलावा देखिए आगवासिशन जयरत्ने का ऑप्शन है, ठीक ठाक प्लेयर हैं और मौका मिला था सेकंड मैच में, अच्छा खासा स्कोर इन्होंने कर दिया था। अश्विता फर्नांडो को मौका नहीं मिला था यहाँ से, लहरू कुमार ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है आप देख सकते हैं, और जो लास्ट का मैच खेला गया था फ्रेंड जो नहीं हो पाया था चौथा मैच में, वहाँ पर भी इन्होंने दो विकेट्स निकाल दिए थे। इसके अलावा देखिए अकेला धनंजय का आप यहाँ से बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बैटिंग से भी देख सकते हैं, और क्षमाएगा करुणारत्न को यहाँ से जो मौका मिला था फ्रेंड्स लास्ट मैच खेलने का, जो तीसरे मैच में 5 विकेट निकाल ले गए थे और यहाँ से चौथे मैच में उन्होंने 1 विकेट निकाला था। तो ये शानदार प्लेयर हैं, आज के मैच में भी आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो धनुष शनका एक और शॉप के लिए शानदार चॉइस होने वाली है, लक्ष्य शनकन को मौका मिला था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो रही प्लेइंग 11, अब यहाँ पर देखिए शनका है और ईशान जयरत्ने ठीक ठाक प्लेयर हैं, तो इनको आप ट्राई करना, कुमारा को ट्राई कर सकते, छमाइका को, तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं छोटी लीग के लिए, बाकी आप ग्रेट लीग में किसी प्लेयर को ट्राई कर लेना। याद रखना शायद से इस मैच की प्लेइंग 11 आपको ना मिले तो भाई
सब्सक्राइब जरूर ध्यान से कर लेना और बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना। कोशिश करूंगा अगर मुझे प्लेइंग 11 मिल जाती है तो मैं कम्युनिटी टैब में या फिर कमेंट सेक्शन में आके आपको पिन कर दूंगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आप तक नोटिफिकेशन इजीली पहुंच जाएगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं इससे पहले एक बार आखिरी वीडियो को कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी टैब में जाकर जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो ये तो रहा परफॉर्मेंस। अब देखिए टोटल प्लेइंग 11 क्या रहने वाले, जो लास्ट मैच में यहाँ पे खेले थे प्लेयर, तो यहाँ से देखिए निरूशन डिगवेल और सदीर शर्मा विक्रम के साथ ओपनिंग आए थे। जो चौथा मैच अपडेट हो गया था उसका मैंने परफॉर्मेंस आपको ऑलरेडी दिखा दिया जो लगातार मैचेस खेले गए हैं। इसके अलावा श्यान जयसूर्य आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा असन प्याजन मिल जाएंगे, धनुष शनका है और ईशान जयरत्ने हैं और चमायका करुणारत्ने, ये कन्फर्म मेरे हिसाब से खेलने वाले आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा लक्ष्मण शनकन है, लहरू कुमारा, राजपस्कव, ये बहुत नीचे खेलने के लिए आते हैं, ध्यान में रखना। इनको ऊपर भी यहाँ पे खिलाया गया था शुरू के मैचेस में, तो चार नंबर पे भी खेलने के लिए आए थे। इसके अलावा अकेले धनंजय, ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 रहनी चाहिए और कंफर्म यही प्लेइंग रहने में, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना अपने प्लेयर से ट्राई कर सके। इसमें से इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करें तो आपको रूशन डिगवेल और शदीर रश्मि और बिकमा को एज ए एक टीम में आप ट्राई करना अगर छह टीम लगा कर खेलते हो। इसके अलावा बात करें तो आपके पास यहाँ से जयसूर्या का शानदार ऑप्शन है, धनुष शंका को आप ट्राई कर सकते हो और यहाँ से जयरत्ने को ट्राई कर सकते हो, चमायका को आपने ट्राई करना है। इसके अलावा यहां से लहरू कुमार है, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप यहां से देख सकते हैं मैंने लगभग सात ही प्लेयर दिए हैं, तो इनमें से कोशिश करेगा छोटे लेग में अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर ट्राई कर सकें जिससे आपके यहां पे कोई प्लेयर कभी मिस ना हो। इसके अलावा बात करें तो फ्रेंड्स यहां पे देखिए आपके पास से इंडिया की बात करें तो गायकवाड़ और सुम्बानगल दोनों बहुत शानदार ऑप्शन है और फ्रेंड्स यहां पर देखिए प्रशांत चोपड़ा ने एक शानदार इनिंग खेली है, शायद आपने अच्छे से देखा नहीं, एक बार आप फिर से यहां पर देख सकते हैं। प्रशांत चोपड़ा ने शानदार परफॉर्मेंस दिया था जो इनको ऊपर खेलने का मौका मिला था, देख सकते हैं 129 रन का स्कोर किया था इन्होंने ओपनिंग आके, तो ये भी आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकते हैं। लगभग यहाँ से चार नंबर पर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे तो इनको आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी है अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा इनका मिडिल ऑर्डर ट्राई करते हैं एक आध टीम में अगर ग्रैंड लीग आप खेलते हैं तो। इसके अलावा देखिए आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन की सुम्बान गिल हैं और फ्रेंड्स यहाँ से गायकवाड़ दो तो बहुत शानदार है जो ओपनिंग आने वाले हैं। इसके अलावा प्रशांत चोपड़ा भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको ईशान किशन मिल जाएंगे खेलते हुए अच्छे प्लेयर हैं। इसके अलावा दीपक हुड्डा ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिया था, 53 रन का स्कोर किया था। इसके अलावा शिवम दुबे, अनमोलप्रीत सिंह फ्रेंड्स लगभग यहाँ से ऊपर खेलने के लिए आने वाले हैं, आप इनको ट्राई कर लेना, अच्छे प्लेयर हैं, खास स्कोर किया था लास्ट मैच में भी यहाँ पे 85 के समथिंग स्कोर किया था इन्होंने। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर है, तुषार देशपांडे, संदीप वारियर कन्फर्म मेरे हिसाब से खेलेंगे। इसके अलावा मार्कंडे, ये प्लेयर मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में रहने चाहिए इंडिया की, तो इनमें से अपने प्लेयर ट्राई कर लेना। अब एकदम सेफ प्लेयर की बात करें तो मेरे हिसाब से ये प्लेयर होना चाहिए, बाकी गायकवाड़, सुम्बान गिल, ईशान किशन और यहाँ से बात करें तो प्रशांत चोपड़ा पर थोड़ा डाउट रहेगा लेकिन आप बिल्कुल इनको ट्राई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं। लास्ट मैच इनको मौका मिला गया था लेकिन काफी नीचे लगभग 6 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, तो ट्राई करना तो आप कर सकते हैं, बाकी इनका टॉप ऑर्डर बहुत ही शानदार रहने वाला। इसके अलावा शिवम दुबे आपको मिल जाएंगे, अनमोलप्रीत सिंह आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे खेल सकते हैं, प्रशांत चोपड़ा यहाँ पे खेलने के लिए आए थे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। लेकिन मैंने इनके बैटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से लिखा है इनको ऊपर मौका मिल सकता है खेलने के लिए। इसके अलावा तुषार देशपांडे और मार्कंडे या वाशिंगटन सुंदर, इनमें से आपने जो भी ट्राई करना आप इनमें से दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। ये प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से रहने वाली है इंडिया की, बाकी श्रीलंका का मैंने आपको देख लिया है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आप और भी अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप माई टीम 11 पे आके खेलेगा। माई टीम 11 देखिए खेलने के लिए आपको 100 रुपए यहाँ से फ्री में मिल जाते हैं और जैसे आप साइन अप करेंगे अपना पैन कार्ड जरूर वेरीफाई यहाँ से कर लेना, ध्यान से आपको 100 रुपये मिल जाएंगे। आप जहाँ पे 100 रुपये का 100% यूज़ भी कर सकते हैं। रेगुलर खेलेगा तो रेगुलर में फ्रेंड्स आप 1 घंटे पहले सबमिट कर सकते हो मीडियम को, बाकी सेम में आप लास्ट तक अपने टीम को एडिट कर सकते हैं। अच्छी खासी लीग वगैरह खुलती है, सारे मैचेस यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, आप यहाँ से खेल कर अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। और अगर आप ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग वगैरह खेलते हैं तो यहाँ पर भी आप ट्राई करेगा, काफ़ी बड़े अमाउंट यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर 6 टीम लगा खेल सकते हैं, 100% आपका कैश बोनस यूज़ भी यहाँ से हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आपने लीग एक्स पे खेलना चालू नहीं किया तो देखिए लीग एक्स पे आपको 25 रुपये खेलने के लिए शुरू में मिल जाएंगे जिसे आप साइनअप करेंगे, 200 रुपये तक लीग एक्स तरफ से कैश बोनस मिलता है और कैश बोनस यहाँ पे 100% यूज़ भी कर सकते हैं। आप मैक्सिमम यहाँ से 4 से 5 विकेट्स कीपर से लेकर बैट्समैन से लेकर मैक्सिमम 7 बैट्समैन 7 बॉलर्स और अपने मन की टीम बना सकते हैं, 4 ऑलराउंडर को ट्राई कर सकते हैं, 4 विकेट कीपर को भी ले सकते हैं, मतलब अपनी टीम बनाने का मौका आपको यहाँ पर भी मन की टीम बनाने का मौका मिलता है, कैश बोनस 100% यूज़ होता है। बहुत कम यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, लीग वगैरह फुल भी नहीं होती है, अगर आपने खेला चालू नहीं किया है तो कर दीजिए, 2 सेकंड के अंदर इनका विड्रॉ भी है, जब भी आप विनिंग करेंगे मात्र 2 सेकंड लगेंगे, आप विड्रॉ करेंगे तो आपका पैसा आपके बैंक में भेज दिया जाता है। आप जरूर खेलेगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है, यहाँ पे आपकी अच्छी खासी विनिंग ऑलरेडी हो जाएगी। और फ्रेंड्स इसके अलावा आप हाला प्ले पे नहीं खेलते तो भाई 50 रुपये आपको यहाँ पे भी खेलने के लिए फ्री में मिल जाएंगे, साइनअप करते ही आप बिल्कुल यहाँ पे खेल सकते हैं फ्री में, आपको 10,000 के यहाँ पे फ्री में लीग खेलने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे फ्री में खेल के भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे नो लाइनअप लिखा है, मतलब आपको यहाँ से प्लेइंग 11 पता ना चल पाएगी, हाला प्ले वाले नहीं बताएंगे भाई आपको खेलना तो खेले, नहीं खेला तो नहीं खेले, तो ऐसे के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन
आइकन को प्रेस कर लेना। अगर मुझे कहीं से जानकारी लगती है तो कम्युनिटी टैब में या कमेंट सेक्शन में आकर मैं प्लेइंग 11 दोनों टीमों का पिन कर दूंगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और 100% कैश बोनस यूज होता है, एक ही प्लेयर आपको यहाँ पे कैप्टन रहता है, तो ऐसे मैचेस आप यहाँ पे भी खेल सकते हैं जहाँ पे किसी को भी प्लेयर का पता नहीं चलने वाला। तो इजीली यहाँ से छोटे लीग को बड़े लीग में भी आप अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं। लास्ट तक अपने टीम को यहाँ पे भी आप एडिट कर सकते हो। फ्रेंड्स यदि सबसे आसान बोलो तो मैम आपके पास MPL में खेलने का अच्छा खासा मौका है, यहाँ से कैश बोनस अच्छे खासा यूज हो जाता है और यहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप साथ साथ देख सकते हैं ये लूडो वगैरह काफी फ्रेंड्स यहाँ से जो गेम्स वगैरह भी दिए हैं आप देख सकते हैं, गेम्स में भी यहाँ पे अच्छी खासी विनिंग वगैरह रहती है। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम से भी आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं। देख सकते हैं आप सारे गेम्स में आपको यहाँ से मिल जाएंगे, बस गेम खेल के ही आपको यहाँ से पैसा। इसके अलावा आप यहाँ से देखिए टीम भी अपनी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी लीग वगैरह भी यहाँ पे खुली हुई रहती है। आप यहाँ पे देखिए 50% आपका कैश बोनस यूज होगा, मतलब 10 रुपए 5 रुपए आपके इजिली यूज हो जाएंगे कैश बोनस के थ्रू, और उसके अलावा 5 रुपए उसको लगाना होंगे। लास्ट में आपको ज्वाइन करिएगा 90% आपका यहाँ से कैश बोनस यूज है, मतलब 10 रुपए की लीग ज्वाइन करने के मात्र आपको 1 ही रुपए लगाना रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम कॉम्पिटिशन है, आप 6 टीम लगा के यहाँ पे खेलेगा 6 रुपए ही लगेंगे आपको और अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से आप विन कर सकते हो। आप देख सकते हैं छोटी लीग से लेकर बड़ी लीग यहाँ पे सारे लीग आपके लिए अवेलेबल हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे खेल सकते हैं। हेड टू हेड से लेकर सब कुछ आपको यहाँ से खेलने के लिए मिल जाएगा बहुत कम पैसे की। तो 6 टीम लगा के आप फ्रेंड्स यहाँ से अच्छा खासा अमाउंट विन कर सकते हो और बहुत कम कॉम्पिटिशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में सारे साइटों का लिंक और रेफर कोड आपको मिल जाएगा, तो मेरे हिसाब से आपने खेलना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपकी अच्छी खासी विनिंग जरूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम टीम बनाने से पहले एक बात जरूर आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि भाई बहुत रिस्की मैच है और ध्यान में रखिएगा, हालांकि ये मैच बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों टीमों के लिए, तो दोनों टीम अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ आना पसंद करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बोलूँगा कि फ्रेंड्स बहुत रिस्की मैच है, आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करिएगा। ग्रैंड लीग में आपने फोकस कर दो बिल्कुल आप यहाँ पर ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं, बाकी रिस्की है ये चीज़ आपने ध्यान में रखना क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स ज़्यादा पैसा नहीं लगाने का क्योंकि यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। शायद से प्लेइंग 11 मुझे ही ना मिल पाएगा लास्ट तक तो मैं आपको भी प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, इस चीज़ को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। आप देखिए विकेट कीपर की बात करें तो ईशान किशन 4 नंबर पे लगभग खेलने के लिए आएंगे, ऋषभ डिकबिला ओपनिंग आएंगे, शदीरा भी ओपनिंग आएंगे, तो लेकिन शदीरा को आप कम से कम अगर 4-5 टीम लगाते हैं मैं एकदम सेफ टीम आपको लगभग दे रहा हूँ, बाकी शदीरा को आप ट्राई इनको कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में अगर आप 6 टीम लगाते हैं तो बिल्कुल आप शदीरा को 1 टीम में ट्राई करिए, ऐसा आप इनको वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं 1-8 टीम में। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में, तो बैटिंग सेक्शन में शुभमान गिल का शानदार ऑप्शन ओपनिंग आएंगे, शान जयसूर्या आपको मिल जाएंगे खेलते हुए मिडिल ऑर्डर में, 4 से 5 नंबर पर खेलने के लिए आएंगे आप इनको ट्राई कर सकते। इसके अलावा अनमोल प्रीत सिंह फ्रेंड्स यहाँ से 4 नंबर पे आते, 85 रन का स्कोर शानदार किया था, लास्ट के पॉइंट यहाँ पे एडिट नहीं हुए हैं लेकिन बहुत शानदार पहले तो मैं इनको ट्राई करूंगा। इसके अलावा देखिए आपको रिकी भाई बहुत रिस्की ऑप्शन है, दीपक हुड्डा लगभग मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्रशांत चोपड़ा मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहने वाला अगर इनको ऊपर बैटिंग करने के लिए लाया जाता है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ से गायकवाड़ को आप ट्राई जरूर कर लीजिएगा। देखिए वन इसको आपको खेलते हुए मिल जाएंगे तो आपको 6 तो इनको ले लेना, बाकी आपके पास यहाँ से धनुष्का का शानदार ऑप्शन रहने वाला तो आप धनुष्का को यहाँ से ट्राई कर सकते हो। अब बात करते फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की, फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपके पास यहाँ से शिवम दुबे के शानदार ऑप्शन है, आप इन्हीं को मेरे हिसाब से ट्राई करेगा, बाकी आसन प्याजन भी अच्छा ऑप्शन है आप इनको ट्राई कर सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर का बिंदु मेंडस और यहाँ से जयरित को ट्राई करेगा क्योंकि इनका शानदार ऑप्शन रहा, ये 2-3 प्लेयर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इसलिए मैंने इनको ट्राई नहीं किया है, फिर भी आपने ग्रैंड लीग वगैरह खेलना है तो आप एज ए कॉम्बिनेशन के हिसाब से 1-1 टीम में कम से कम इनको ट्राई कर सकते हो। अगर आप 6 टीम लगाते हो तो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए भी ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि प्लेयर सारे प्लेयर अच्छे हैं, हालांकि कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं चला लेकिन कोई प्लेयर किसी मैच फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए मैंने साथ जो बात किया था वो मैं आपको ऐसे एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, कूपर का मैंने यहाँ से कूरे का बात किया था, कूरे का आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई पॉइंट्स वगैरह नहीं है, शानदार इन्होंने 80+ स्कोर किया था यहाँ पे, देखिए कोई स्कोर वगैरह यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह नहीं है तो मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए था लेकिन लास्ट सचिन को बाहर किया गया था इसलिए मैंने इनको नहीं लिया है, लेकिन आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो टीम में आप इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड्स आप देखिए बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो शेष गोपाल आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाले हैं, बहुत शानदार प्लेयर है, इसके अलावा लहरू कुमार को ट्राई करना बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और यहाँ से पोरल भी आपके लिए खेलने वाले हैं, अकेला धनंजय भी आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो मार्कंडे मेरे हिसाब से खेलने वाले हैं और यहाँ से लक्ष्मण चंडकन को भी खेलना चाहिए, बाकी वॉरियर को मौका मिलेगा, ये प्लेयर लगभग खेलेंगे, तो सार देश पांडे को अपने बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, चमाई का करुण रत्न को भी आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बात करते तो ये आपकी फाइनल टीम का प्रव्यू रह सकता है, बिल्कुल आप इस टीम के साथ यहाँ से जा सकते हैं, बाकी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए मेरे हिसाब से लगभग मैंने एकदम सेफ टीम आपको दिया है, बिल्कुल आप अगर छोटे लीग में ट्राई करना चाहे ट्राई कर सकते हैं, काचन जैसे अपनी मर्जी से करना चाहे बिल्कुल आप कर लीजिएगा, उससे आपके विनिंग के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे अगर आप चेंजेस यहाँ पे करते हैं तो। अब देखिए यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए गायकवाड़ का बोलता हूँ, इसके लिए शुभमान गिल हैं। इसके अलावा मैं यहाँ से बात करूँ अगर इनकी तरफ से तो देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ से जयसूर्य का ऑप्शन है, ये भी बहुत शानदार ऑप्शन है और लास्ट जो यहाँ से देखिए आपने रोशन डिकविलन भी शानदार परफॉर्मेंस किया था, मेरे हिसाब से ये 3 प्लेयर में से आप छोटी लीग में ट्राई कर लेना, बाकी आपने थोड़ा सा रिस्क वगैरह लेना है तो आप इन 3 में से भी किसी को ट्राई कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा 4th ऑप्शन आपके लिए ये भी रहने वाला है जो कि
आपकी थोड़ी सी रिस्की टीम में आने वाला है। तो छोटी लीग में आप ट्राई करेगा, मेरे हिसाब से बॉलर्स में से आप अगर कोई चेंजेस करना चाहें तो बिल्कुल अपनी मर्जी से यहाँ पर चेंजेस भी आप कर सकते हो। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं भाई, जो मैं आपको टीम दूँ आप उसी टीम के साथ खेल लो, बिल्कुल आप यहाँ से अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेना। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी चेंजेस वगैरह मैंने आपको बताए हैं और जो प्लेइंग 11 मैंने दिखाए सेम प्लेइंग 11 रहने वाले मेरे हिसाब से। बाकी आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी जरूर कर देना, बेल आइकन को आप प्रेस कर लेना, तभी फ्रेंड्स मुझे अगर प्लेइंग 11 पता चलेगी तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे प्लेइंग 11 अपडेट करूँगा या फ्रेंड्स यहाँ पर कम्युनिटी टैब में आकर मैं पोस्ट करूँगा या कमेंट सेक्शन में आकर पिन करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तो भी आप एक बार अच्छे से आकर लास्ट को वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा कमेंट सेक्शन कम्युनिटी टैब में, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आकर पिन जरूर कर दूँगा तो आपको फ्रेंड्स यहाँ से प्लेइंग 11 कन्फर्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो के देखने के लिए फ्रेंड्स आपका धन्यवाद।